हमारे पैनल तैयार है। सोनी के पास चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। सोनी बताइए आपकी ट्रेड। अनु जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ IRCTC अक्टूबर सीरीज 920 कॉल ऑप्शन, आप खरीद सकते हैं। 8 रुपए 50 पैसे यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 5 रुपए का। पहला लक्ष्य रहेगा 13 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 17 रुपए का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट पकड़ा हुआ है, 880 से बाउंस कर रहा है। एक हल्का सा एक रेजिस्टेंस है 900-902 के ऊपर, उसको क्रॉस करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आपको नजर आ सकते हैं 920-925 लेवल्स पे। सो सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, 920 कॉल ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल 92 एट द रेट 8.5 आपको पिक करनी है, फिर सुपरस्टार आज का मानस जी पिक करेंगे। मानस बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप। वीरेन जी, देखिए बजाज फाइनेंस के बाद बजाज फिंसर पे भी एक शॉर्ट कॉल रहेगा। यहाँ पर करीब 4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। आज स्टॉक ने कोशिश भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए, लेकिन वहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आई थिंक बजाज फिंसर के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 1855 के प्राइस चल रहे हैं, 1881 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे बजाज फिंसर के फ्यूचर में, और टारगेट सेट करेंगे टारगेट सेट करेंगे 1800 के। 1800 रुपए के टारगेट पॉसिबल है बजाज फिंसर के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 1840 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 28-29 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 19 रुपए के स्टॉप लॉस से उस पुट ऑप्शन को खरीदिए और 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल एक और रहा। पहले बजाज फाइनेंस पर मंदी का ट्रेड था, बजाज फिनसर्व पर मंदी का ट्रेड, और ये आपके लिए एफएनओ सुपरस्टार है। चार्ट का चमत्कार प्रशांत बताइए क्या रहेगा। जी हर्षा जी, अगर हम एसआरएफ के स्ट्रक्चर को देखें तो सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, और एक जो अहम सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था वहां रैली आई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ बिकवाली की जा सकती है। शॉर्ट कॉल होगा करीबन 2350 पे, स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2378। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 2280 से लेकर 2270, 2270-2280। ओके, चलिए अब मयूरेश के पास चलते हैं एक मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश क्या पिक किया आपने। जी आई थिंक ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज ये हमारे वॉचलिस्ट पे है। पिछले तिमाही के अगर आप नतीजे देखेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर लगभग 35% की ग्रोथ आई थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक थोड़ा सा मिस था अराउंड 2%, बट मार्जिन्स में एक स्टेबिलिटी देखी गई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट 10%, विच वॉज वेरी वेरी ऑलमोस्ट द सेम पिछले तिमाही में, और ईयर ऑन ईयर में एक बहुत अच्छा इजाफा हुआ था 6.5% से 10% की जंप। जहां तक एक्सपेक्टेशंस है रियल इस्टेट एंसरीज की, इंक्लूडिंग स्टॉक्स लाइक ग्रीनप्लाई, प्लाईवुड बिजनेस एक्सपेक्टेड टू डू वेल, स्टेबिलिटी शायद देखी जा रही है ये क्वार्टर्स में, इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स वॉल्यूम और रियलाइजेशन दोनों में ग्रोथ आनी चाहिए। सिमिलरली MDF बिजनेस में सिमिलर पैटर्न्स दिखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, रियलाइजेशंस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है, and that should probably reflect on numbers and in terms of cash flows. जहाँ तक debt levels का सवाल रहा है, net debt has actually come down quarter on quarter. 0.71 की debt equity has come to 0.48 and can reduce further as cash flow increment happens. मुझे लगता है real estate proxies selectively अच्छे करने चाहिए, Greenply हमारे रडार। प्लाई मेक अपॉर्चुनिटी। चलिए सारे मैं ट्रेड्स आपके लिए रैप कर रही हूँ। पहले तो शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन में IRCTC वाले ट्रेड के साथ जो सोनी ने दिया है। आपको कहा गया है कि 920 का कॉल आप लेकर चलेंगे जो 9.30 रुपए पर है, टारगेट 13 और फिर 17 का रहेगा। अगला जो ट्रेड आया वो दरअसल मानस की तरफ से था, बजाज फिनसर्व शॉर्ट साइड का ट्रेड 1800 के लिए मंदी का कॉल इन्होंने दिया है। लेकिन प्रशांत को ठीक लग रहा है SRF में ट्रेड लेना, तो ये फिलहाल इनकी पिक है। SRF में भी मंदी की तरफ ये ट्रेड बैठ रहा है, 2280 का पहला टारगेट रहेगा, फिर आगे 2270 तक जा सकता है स्टॉक का। साथ ही साथ मयूरेश कह रहे हैं कि रियल एस्टेट एंसरीज ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में एक मौका तेजी का आप लेकर चल सकते हैं। तो ये रहा चार का चौका।